तो ये एरिया ऐसा कुछ दिखता है कि 4 से 5 हज़ार में इतना स्पेशियस रूम, ये घर का मास्टर बेडरूम है। आगे इस पे आराम से दो लोग सो सके, दो। अरे घर का मालिक आ गया। 4 से 5 हज़ार रुपए के अंदर ऐसा घर तो मिलना मुंबई में मुश्किल है बहुत। Hi guys, what's up? It's me, your friend Sahil Jha. And what if मैं आप लोगों को कहूँ कि मुंबई शहर में आपको 4 से 5 हज़ार रुपए के बीच में एक 2 BHK घर मिले, पानी एनी टाइम, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा, रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस, नेटवर्किंग, सारी चीजें प्रॉपर टॉप नॉच, क्या आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर में इतना सस्ता रूम मिलना, वो भी इतना बड़ा और अच्छे जगह पे, पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही एक घर का टूर देने वाला हूँ, एंड आपको भी ये घर मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा जगह जो है, पूरा लोकेशन ही ऐसा है, ठीक है। और इवन ट्रैवलिंग यहाँ पे इजी बनता है, वो भी कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी, मैं पहले आपको पूरा घर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट ये घर आप देखो और देखते देखते सोचो कि 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको ऐसा घर कहीं पे मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, पहले पूरा घर का टूर। ये मेरा घर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा नहीं है मेरा घर, ये मेरे फ्रेंड का घर है। तो घर का टूर लेता हूँ पहले। तो आप एरिया देख सकते हो, ये एरिया ऐसा है, और जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा ही एरिया होता है हर जगह। ऐसे ही चार चार माले के बिल्डिंग्स होते हैं, ऐसे ही बाजू बाजू में घर होते हैं। एंड एरिया क्या है, ये लोकेशन क्या है, वो मैं एंड में बताऊँगा, पहले मैं आपको आज घर दिखाता हूँ। लाइक ऐसे ही घर है सारे, जैसा मैं घर दिखाने वाला हूँ। तो ये घर है, ये घर ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हॉल है, ठीक है। देख सकते हो आप स्पेशियस, कितना ज़्यादा स्पेशियस है। एंड जो बात मैंने इंट्रो में बोली थी वो याद रखा कि 4 से 5 हज़ार में इतना स्पेशियस रूम कहीं नहीं मिलने वाला। एंड आगे आते तो ये जो पार्ट है, ये बालकनी हुआ करता था, बट इन्होंने इस बालकनी को कैसा कस्टमाइज किया है वो आप चेक कर सकते हो। ऐसा बालकनी होता है कुछ, आप ये एरिया देख सकते हो, जो आपको सामने बालकनी दिख रही है वैसा ही ये बालकनी था, बट इन्होंने बालकनी को एज अ बेडरूम में फॉर्म कर दिया है। इसमें बेड डाल दिया है, प्रॉपर टाइल्स वगैरह लगा के, जिसपे दो आदमी आराम से सो सकते हैं, दो नहीं तो एक इंसान तो आराम से सो सकता है। यहाँ पे ऊपर स्पेस है, यहाँ पे स्टोर रूम की तरह कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। सो ये इनका बालकनी था जिनको इन्होंने बेडरूम बना दिया है। दरवाजे के पीछे भी स्पेस है, कुछ स्टोरेज रख सकते हो आप, ठीक है। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। तो ये बालकनी का स्पेस था जिनको इन्होंने, जिसे बेडरूम में फॉर्म कर दिया है। ये हॉल है, किचन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये किचन है, किचन का लाइट वगैरह। तो ये किचन है, एंड ये ऐसा कुछ किचन है। यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको बेसिन मिलता है, ये नहाने वाला अलग वॉशरूम, ये दो नंबर वाला अलग वॉशरूम है, ठीक है। ऐसा हर घर में, मैं जो ये घर दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा यहाँ के एरिया के हर घर में होता है, ठीक है। तो ये हॉल है, और ये घर का मास्टर बेडरूम है। लाइट जला, उतर जैसु ठीक है। ये घर है, ये घर का मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ घर है ये वाला, एंड घर काफ़ी बड़ा है। आपको 4 से 5 हज़ार रुपए के अंदर ऐसा घर तो मिलना मुंबई में मुश्किल है बहुत, ठीक है। लोकेशन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अभी लोकेशन के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो ये है, और ये बच्चे किसके है रे? हाय दिया पुतास, ये घर इसका है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे तो डरते नहीं दोनों, वो देख के। ये घर इसका ही है, मुंह दिखा इसका। अरे घर का मालिक आ गया, मालिक साहब, साहब साहब। सो यस, दिस इज द रूम, एंड बाकी की बातें मैं अभी लोकेशन वगैरह आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बताता हूँ यहाँ की। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये घर नहीं बेचना, ये घर मैं दिखा रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल, हमें ये घर का सेल नहीं करना है,
यहाँ पे जो बाकी के घर है सारे ऐसे ही होते हैं, अंदर से आप कैसा भी कस्टमाइज करो अपने घर को वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। आप इस घर में चार लोग पांच लोग कितने भी, आप देख सकते हो स्पेस के हिसाब से आपको कितने लोग यहाँ पे जमेंगे उतने लोग रह सकते हो। बाकी की बातें इधर करते हैं। तो ये वीडियो पूरा वन टेक हो चुका है, ठीक है, तो मैं लास्ट की बातें भी वन टेक में कर देता हूँ, बैठ सकते हैं। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आता है नॉर्थ मुंबई और साउथ पालघर जो कि है विरार। अब डिबेट उठेगा कि विरार मुंबई में नहीं आता, तो देखो विरार मुंबई में नहीं आता लॉजिकली, बट एथिकली आता है, ठीक है। मुंबई में कैसे आता है, क्योंकि वेस्टर्न लाइन जो है लोकल ट्रेन का वो पूरा विरार तक है, विरार से आगे भी है। एंड विरार, मैंने जो बोला था आपको कि ट्रैवलिंग का आपको यहाँ पे सुविधा है, वो सुविधा क्या है आप किसी भी मुंबई में रहने वाले इंसान से पूछना कि बोरीवली से लेके विरार के बीच में ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा ईजी कहाँ पड़ेगी, तो उसका आंसर होगा विरार, क्योंकि विरार से जो है ट्रेनें बनती है। आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा बट आपको विरार से ट्रेन आराम से मिल सकती है, तो वो बेनिफिट है विरार में रहने का। कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 हज़ार में आपको ऐसा रूम मिलेगा, और क्या चाहिए आपको जीवन में, ठीक है। पानी वगैरह आपको, लाइट बिल लिमिटेड है, पानी वगैरह प्रॉपर है दिन भर, आपको नेटवर्क सिस्टम प्रॉपर है यहाँ का, वाईफाई सारे सिम कार्ड्स के नेटवर्क्स आते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, एरिया भी डिसेंट है, कोई ऐसा इशू नहीं एरिया में, एंड रेलवे स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस है, लाइक हार्डली 10 to 15 minutes वॉकिंग, ठीक है। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे रहने का। आपको घर ढूंढ रहे हो अगर मुंबई में आना है, आपका बजट कम है, तो आप विरार ऑफकोर्स चूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बोरीवली के पीछे अगर लेना है तो विरार में लो रूम, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग इजी पड़ेगा, एंड सच में विरार काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। अब ऐसा नहीं कि पूरे विरार में सेम कॉस्ट है, विरार में डिफरेंट कॉस्ट है एरियाज वाइज, बट ये जो पार्ट है विरार ईस्ट का, वहाँ पे ऐसा कॉस्ट होता है, फ्लक्चुएट होता है आगे पीछे थोड़ा, बट एवरेज इतना कॉस्ट होता है। विरार वेस्ट महंगा है इससे। तो यस, दिस वॉज इट, एंड होप आपको वीडियो से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको हेल्प हुआ रहेगा। तो यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स किसको किसको वीडियो पसंद आई और कौन कौन इंटरेस्टेड है विरार में रूम लेने के लिए। ऑफकोर्स मैं नहीं दिलाने वाला रूम क्योंकि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, बट यस मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर। तो यस, दिस वॉज इट एंड थैंक यू सो मच। ये ऐसा कुछ एरिया है और यही बिल्डिंग था और वो घर था जो घर मैंने दिखाया ये वाला, एंड ऐसा कुछ एरिया है और इस इंसान ने शूट किया वीडियो। माँ है रब मेरी गली ये मेरी माशुका, लड़का येड़ा मैं झुकाने पर बिना झुका, सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे, बनाता गीत मैं पर मैं खुद बना हूँ तुमसे।